मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर में भोलेनाथ का जो ज्योतिर्मय लिंग है उसे महाकाल कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है काल के भी काल। महाकाल भोलेनाथ की आराधना से अपमृत्यु का भय टल जाता है। सारे विश्व में ये एक ही ऐसा स्थान है जहां भस्म आरती होती है। भस्म आरती का मर्म भी गहरा है, इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही प्रचलित है। महाकाल के दर्शन से सर्व कामना पूर्ति होती है और परम गति प्राप्त होती है। प्रस्तुत है महाकाल ज्योतिर्लिंग की पावन प्राकट्य कथा। महादेव बोले जय हो, महाकाल महादेव बोले। उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था, अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महाकाल की उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था, अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था, अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महाकाल की उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था, अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। बम बम बोले जय शिव शंकर, बम बम बोले जय शिव शंकर। असुरों से निर्लज बोली, वेद धर
अग्नि में भोला ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। कथा सुनाई थी, सुनते रहे धीरज से ब्राह्मण, प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो, बोले ब्राह्मण है संग भोले, फिर न समझो तुम दीन हो, शिव उद्धार करेंगे सबका, उनका मन ये कहता था, ब्रह्म तेज था उनके मुख पर, मन में दूषण काल की उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महाकाल की उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महादेव बोले, जय हो महाकाल, महादेव बोले। उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महाकाल की उज्जैनी में भोला ब्राह्मण रहता था। अग्निहोत्र और वेद कर्म का नित्य ही पालन करता था। महादेव बोले, जय हो महाकाल, महादेव बोले, जय हो
का।